बड़वानी के राजपुर में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने अपने गृह क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने राजपुर जिले में धर्मशाला और मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। वहीं रेड 9 टीवी को एक सवाल के उत्तर में बताया कि भाजपा कमलनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए माफिया के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। साथ ही कहा कि आने वाले नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस फिर से जीत हासिल करेगी। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी, जो पूरे क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजकल जो भाजपा द्वारा माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ये क्या कमलनाथ जी से प्रेरणा लेकर चलाया जा रहा है या और कोई बात है? सबसे पहले तो मैं यहाँ आज ओझर में जो प्रजापत समाज को हमने जो 5 लाख रुपए जो दिए हैं, उस 5 लाख रुपए की राशि से और जो प्रजापत समाज की जो राशि है उसको मिलाकर लगभग करीब 15 से 20 लाख रुपए की लागत से जो प्रजापत समाज का मांगलिक भवन का हमने अभी जो भूमि पूजन किया है, तो इसके लिए मैं प्रजापत समाज को उसकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और खुशी की बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह गरवार जी भी हमारे बीच में उपस्थित है और मध्य प्रदेश प्रजापत समाज के संगठन मंत्री रमेश भाई भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो लगभग 20 लाख रुपए की लागत से जो प्रजापत समाज का जो भवन बनने जा रहा है उसकी बधाई और शुभकामना। जहाँ तक आपने माफिया राज वाली जो बात कही है या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई वाली जो बात कही है, ये हमने जो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े गुंडे भूमिगत हो जा चुके थे या तो मध्य प्रदेश छोड़ के भग गए थे, चाहे वो इंदौर के गुंडे हो, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर के गुंडे हो, और जैसे ही सरकार ने पलटा मारा वो लगभग वापस मध्य प्रदेश में एंट्री कर जा चुके हैं। वर्तमान सरकार, पूर्व की सरकार कमलनाथ जी की नकल करने गई है, लेकिन नकल में भी ठीक ढंग से अकल नहीं लगा पा रही है और सारे माफिया इस सरकार में वापस हावी हो जा चुके हैं। और जो शुद्ध के लिए युद्ध चलाकर हमने जो मैसेज दिया था वो भी सब सारी चीज़ें सब इस सरकार में ख़त्म और ध्वस्त हो रही, कोलैप्स हो रहा है सरकार का सिस्टम। आने वाले नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या वापसी करेगी? कांग्रेस की बड़ी रणनीति, और आप ध्यान रखना, मैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, पूरे ज़िले में और पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ। ज़बरदस्त लोगों में ये वर्तमान की दोनों सरकारें, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकार के प्रति लोगों की, किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, सर्वहारा वर्ग की ज़बरदस्त नाराज़ी है। और बहुत जल्द कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमबैक करेगी और उसके बाद जब देश के जो चुनाव आएंगे तो वहाँ भी वापस आएगी। और लोगों की नाराज़गी अभी सरकार के बस की बात नहीं दूर कर पाना। देखिए, राष्ट्रीय पर्व के दिन पूरे दिल्ली में क्या हुआ और हर एक बच्चा समझ रहा है कि ये किनके इशारे पे और किन्होंने ये कराया है। किसान अपनी मांग कर रहे थे, अपनी खेती को और किसानों की हिफाजत और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जो मांग कर रहे थे, तो सरकार ने उसके बदले में क्या दिया है।